गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा। सो लास्ट हमने डिस्कस किया था रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। आज का टॉपिक है वूल प्रोडक्शन, कि वूल बनाई कैसे जाती है, व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड वूल प्रोडक्शन, वूल का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। सो बेटा डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, दीज आर द स्टेप्स दैट आई मेंशन्ड हियर। फर्स्ट स्टेप क्या है? शीयरिंग। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? शीयरिंग। शीयरिंग मीन्स क्या होता है? जो फ्लीक होती है एक एनिमल के ऊपर, गोट के ऊपर, शीप के ऊपर, उसके जो हेयर की ग्रोथ होती है उसको फ्लीक बोलते हैं। तो उस फ्लीक को हम रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजर्स, या जिनको बोलते हैं शीयरर्स। तो रिमूवल ऑफ फ्लीक की जो प्रोसेस है बेटा, उसको क्या बोलेंगे? शीयरिंग बोलेंगे। और जो पर्सन शीयरिंग करता है उसको क्या बोलते हैं? शीयरर बोलते हैं। वैसे शीयरर का बेसिक मीनिंग देखा जाए तो नाई होता है ना, जो बार्बर वो होता है। ऐसे ही यहाँ पे शीयरर है जो गोट या शीप की फ्लिक को रिमूव कर रहे हैं। और फ्लिक रिमूव कब किया जाता है, शीयरिंग का प्रोसेस कब किया जाता है बेटा? जब समर्स आती हैं, क्योंकि समर्स में ज़्यादा एक्सेस फ्लिक की वजह से पार्टिकुलर एनिमल को गर्मी लगती है, तो उसको कूलनेस प्रोवाइड करने के लिए, उसको ठंडक प्रोवाइड करने के लिए क्या की जाती है बेटा? शीयरिंग समर्स में की जाती है। सेकेंड स्टेप आता है स्काउरिंग। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा? स्काउरिंग। स्काउरिंग में क्या होगा? जो हमने फ्लीक निकाला है उसको वॉश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स की हेल्प से क्या कर देंगे? उसकी वॉशिंग कर देंगे, ताकि उससे जो एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव किया जा सके, ठीक है। और स्कोरिंग बेटा मशीन्स की हेल्प से होती है। देन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन सेपरेट करना, अलग अलग करना। यहाँ से जो स्कॉर्ड भी वूल आएगी उसको सॉर्टेड किया जाता है। सॉर्टेड इन द सेंस उसका कोई, उसके अंदर कोई डैमेज है, कोई खराब हमें कुछ दिख रहा है, कोई स्टेन लगा हुआ, कुछ दाग दिख रहे हैं, कोई अलग कलर दिखाई दे रहा है, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। तो थर्ड स्टेप हो जाएगा बेटा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कर लिया, सॉर्टिंग के बाद होगी ग्रेडिंग, ठीक है। ग्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है? देखो, ग्रेड प्रोवाइड करना, जैसे बच्चे को ग्रेड दे देते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, डी ग्रेड। इसका मतलब क्या है कि ए ग्रेड वाला बच्चा इंटेलिजेंट है, बी वाले का एकेडमिक थोड़ा कम है, सी का एकेडमिक्स और कम है। तो ऐसे ही जो वूल आई है, यहाँ से सॉर्ट होने के बाद वूल है, उस फाइबर की ग्रेडिंग करते हैं बेटा। हम चेक करते हैं किस फाइबर की लेंथ कैसी है, उसका कलर कैसा, उसका टेक्सचर दिखने में कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग फाइबर्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। दैट इज नोन एज द ग्रेडिंग। ग्रेडिंग करने के बाद कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब क्या होगा? फ्लिक के अंदर जो भी बर्ड्स होंगे, बर्ड्स होती है बेटा रुकावटें, ठीक है, उनको कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मशीन्स होती हैं, उनकी हेल्प से उन बर्ड्स को निकाल दिया जाता है। तो दैट इज नोन एज द कॉम्बिंग। और उससे जो वूल का फाइबर है वो स्ट्रेट भी होता है, सीधा हो जाता है। देन उस कॉम्बिंग करने के बाद क्या करेंगे बेटा? डाइंग करेंगे, डाई करेंगे, ठीक है। डाई क्या है? जो ओरिजिनल वूल होती है, या तो वो ब्राउन, ब्लैक या वाइट कलर का होगा, तो उसको कलरफुल करने के लिए उसके अंदर स्टेन्स डालते हैं, डाई डालते हैं, तो उसका कलर आ जाता है। तो दैट इज नोन एज द डाई। आफ्टर दैट ड्राइंग। डाई करने के बाद बेटा जो भी वूल थी, फ्लीक था, जो अब फाइबर बन चुके हैं, उनको ड्राई किया जाता है। और देन उनको पैक कर देते हैं हम बेल्स में। बेल्स होते हैं गट्ठे बेटा, गट्ठों में उनको पैक कर दिया जाता है। देन उसके बाद आती है स्पिनिंग। फिर इन गट्ठों को बुनकर स्पिन मशीनों की हेल्प से स्पिनिंग की जाती है, और उनके यान बना दिए जाते हैं। यान इन द सेंस ऐसे ऊन के गोले बन जाएंगे बेटा, ऐसे 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 ऊन के जो बड़े बड़े से पैकेट्स जो बन जाते हैं, हम फाइबर को एक स्ट्रक्चर में रैप कर देते हैं, दैट इज नोन एज द यान। आफ्टर दैट वीविंग। वीविंग और निटिंग। जो अब यहाँ से हमें जो फाइबर मिला, जो यान मिला, यान में फाइबर है एक्चुअल में वूल का, तो इस वूल का फाइबर, जो लॉन्ग फाइबर है, जो लंबा लंबा फाइबर है, अच्छी क्वालिटी वाला फाइबर है, उसके तो उसको तो क्या कर देते हैं? फर्दर पैक वीविंग के, सॉरी उसके लिए निटिंग के लिए। निटिंग मीन्स स्वेटरें बुनना, स्वेटर बनाने के लिए कुछ भी हम बुन रहे हैं घर में, तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी वाली लॉन्ग थ्रेड वाली यान को चूज़ किया जाता है। लेकिन वीविंग, वीविंग मीन्स जब आर्टिफिशियल जो स्वेटर्स, जो बुनी बुनाई आती है, उनके लिए छोटे थ्रेड वाले उसको सेलेक्ट किया जाता है। आपकी बुक में बहुत अच्छे से डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया गया है। मैं एक बार आपको डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पे हर एक स्टेप विजिबल है बेटा। फर्स्ट स्टेप इज शीयरिंग। इसमें एक नाउ मे बी इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। शीयरिंग में ये पर्सन क्या कर रहा है? फ्लीक को रिमूव कर रहा है। देन स्कोरिंग, यहाँ पे वॉशिंग हो रही है। देन इसके बाद सॉर्टिंग। सॉर्टिंग
स्कॉर्ड वूल को सॉर्ट किया जा रहा है कि कुछ डैमेज ना हो उसको सेपरेट आउट करने के लिए. देन ग्रेडिंग, हम लेंथ वगैरह कलर चेक करते हैं उसका. आफ्टर दैट डाइंग, कॉम्बिंग भी होती है बेटा. कॉम्बिंग करने के बाद डाइंग, कलरफुल कलर प्रोवाइड कर देते हैं. ये कलरफुल हो गए ना, ब्लू कलर हो गया. देन क्या हो गई, वीविंग हो गई. वीविंग करो या निटिंग करो, हमने इससे पूरा फैब्रिक प्रिपेयर कर दिया और देन ये वूल के सयान बन जाते हैं बेटा. ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आपको वूल प्रोडक्शन, वूलिंग प्रोडक्शन की प्रोसेस क्लियर हुई होगी. एक बार फिर से स्टेप रिवाइज करेंगे बेटा. शियरिंग, रिमूवल ऑफ फ्लेक, उसके बाद स्कॉरिंग, वॉशिंग ऑफ फ्लेक, सॉर्टिंग, हम स्कॉर्ड वूल को सॉर्टेड करते हैं टू रिमूव एनी डैमेज और स्टेन. आफ्टर दैट ग्रेडिंग करेंगे, उसकी लेंथ कलर के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट आउट करेंगे. उसके बाद उसका कॉम्बिंग करेंगे, देन डाई करेंगे. डाई करने के बाद ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद स्पिन करेंगे, बुनेंगे. कातना, स्पिन मीन्स कातना बेटा. उसको फिर उसको यान में कन्वर्ट कर देंगे. फिर यान को हम या तो वीविंग कर सकते हैं या उससे निटिंग कर सकते हैं. इसके बाद आते हैं बेटा हेल्थ हैजार्ड्स फॉर द वूल इंडस्ट्री. हेल्थ हैजार्ड्स फॉर वूल इंडस्ट्री. हैजार्ड्स क्या होते हैं बेटा, नुकसान. हैजार्ड का मीनिंग होता है नुकसान. तो जो हमारी हेल्थ को नुकसान हो सकते हैं वूल इंडस्ट्री से, वो क्या क्या होंगे. वो होते हैं बेटा, एक तो एंथ्रेक्स डिजीज हो जाती है. एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स में बेसिकली क्या होता है बेटा, एंथ्रेक्स बेसिकली बॉडी को इफेक्ट करता है. ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. और ये बैक्टीरियल वगैरह ग्रोथ कहाँ पे होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ कहाँ पे होगी. एंथ्रेक्स बेसिकली बेटा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है. और ये बैक्टीरिया कहाँ से आएगा ह्यूमन बींग्स के पास, जो शीप और गोट से हमने फ्लिक उतारा है उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है. और ड्यूरिंग सॉर्टिंग, डाइंग, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, आप उस डिजीज से इन्फेक्ट हो सकते हो. इसको सॉर्टर डिजीज भी बोलते हैं. क्यों, जो सॉर्टिंग करेगा, सॉर्टर आउट करेगा, उसको ये बीमारी हो जाएगी. तो डेट इज नोन एज सॉर्टर डिजीज. अफेक्ट क्या क्या होंगे, स्किन में इन्फेक्शन हो जाएगा, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंतड़ियों में इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है, नेक में, लंग्स में, लीजन्स. लीजन्स मीन्स क्या होते हैं, लीजन्स मीन्स हमारी इनको नुकसान पहुंचाते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है. और अगर लगातार हम कॉन्स्टेंटली केमिकल डाइज को यूज़ करेंगे तो एंथ्रेक्स होने के चांसेस होते हैं. कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा, लगातार. अगर मैं लगातार डाइज का यूज़ करूँगी, डाइज के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, तो इन केमिकल्स की वजह से आईज में इरिटेशन, स्किन की डिजीज़, लंग्स की डिजीज़ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है बेटा. देन फोर्थ पॉइंट गिवन है इनअप्रोप्रिएट वेंटिलेशन. अगर जहाँ पे वूल की प्रोसेसिंग चल रही है वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, टेम्परेचर ना हो, ह्यूमिडिटी मीन्स जहाँ पे नमी हो बेटा, नमी हो, एंड नॉइज ड्यू टू द रनिंग ऑफ मशीन्स हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द वर्कर ऑफ हेल्थ. हेल्थ वर्कर के ऊपर ये सारी चीज़ें बहुत बुरा इफेक्ट डालती हैं. देन कई बार क्या होता है, हियरिंग लॉस, सुनने की प्रॉब्लम आ जाती है, आपको सुनना ही बंद हो जाएगा. इज एक्सपीरियंस्ड बाय वर्कर ड्यू टू द कॉन्स्टेंट नॉइज मेड बाय मशीन. मशीनों की इतनी आवाज़ होती है जिसकी वजह से आपको सुनने तक की प्रॉब्लम आ जाती है, आप कंटिन्यूसली उसको लॉस कर देते हो. तो ये था बेटा वूल का टॉपिक. आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा. और यही सब हमने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया है. सो यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम हेयर. अगर किसी के डाउट हैं देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.